मोदी जी उस जमाने में पटेल डोमिनेटेड गुजराती पॉलिटिक्स में एक तरह से ओबीसी नेता की तरह जाने जाते थे। मुझे अभी भी याद है 1995 में जब बीजेपी पहली बार गुजरात में जीती थी, छोटा सा ऑफिस था उनका खानपुर में, मोदी जी बाहर बैठे थे, खाकरा खा रहे थे, बड़े नेता बीजेपी के शंकर सिंह वाघेला, केशु भाई पटेल, सुरेश मेहता अंदर की रूम में बैठे और मैं मोदी जी के साथ बाहर बैठा हूँ। मैं नरेंद्र भाई को कहता हूँ क्योंकि उनका काफी योगदान था उस विक्ट्री में, उन्होंने बिल्कुल मैनेजमेंट उस विक्ट्री की थी। वो मुझे कहते हैं नहीं नहीं वो बड़े लोग, उनको बैठने दीजिए, मैं यहाँ हूँ। उनको बुलाया नहीं गया था उस मीटिंग में, आप सोचिए। अब यही है ना, 1987 में मोदी जी पहली बार एक तरह से अपनी एक पहचान बनाते, 87 में म्युनिसिपल इलेक्शन होता है अहमदाबाद में और वो क्या करते हैं, हर गली नुक्कड़ में जाकर पोस्टर्स देख रहे हैं कि पोस्टर लगे हुए हैं कि नहीं सब बीजेपी कैंडिडेट्स के, और कैस वो स्कूटर के पीछे बैठे हुए हैं। स्कूटर कौन चला रहा है सोचिए, अमित शाह। अब मेरे दोस्त यही बात है, ये कई नेताओं को ये पता चलना चाहिए, आज वो इस लेवल पर पहुंच गए लेकिन कहां से आए हैं, ये जर्नी है लाइफ, ये कोई वन डे मैच नहीं है पॉलिटिक्स, ये 40 साल से वहां बैठे हुए, ये 40-50 साल का परिश्रम है, यू कैनॉट डिनाई।